गैस पेट्रोल इन सब की बात करते हैं तो आपको पता है ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था एनर्जी सर्कुलर डेट शौकत अजीज साहब के ज़माने से, जबकि पेट्रोलियम प्राइसेस से दुगना हो गई थी, क्योंकि वो इलेक्शन ईयर था, सिर्फ 9% जो है वो पास ऑन किया गया था उसका इम्पैक्ट कि इलेक्शन में लोगों पे बोझ ना डाला जाए, और वो बढ़ता 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 आज 2.7 ट्रिलियन रुपये का आपका एनर्जी सर्कुलर डेट हो गया है, 1.6 ट्रिलियन रुपये का आपका इस वक्त गैस का और PSO के ये सारे डेट जो हैं वो चल रहे हैं। जो प्राइवेटाइजेशन थी जो कि हर हुकूमत ने करने की कोशिश की और उसकी अपोजिशन इंक्लूडिंग PTI, जबकि वो अपोजिशन में थी उन्होंने मुखालफत की, आज जब PTI इन चीज़ों को प्राइवेटाइज करने की बात करती है तो वही पार्टियां जो कि अपने दौरे हुकूमत में प्राइवेटाइजेशन के हक में थी आज वो इनके खिलाफ मुजाहरे करती हैं। तो हमें जो मीशत है, जो इसके फंडामेंटल्स हैं, उन पे सियासत नहीं करनी चाहिए। सही पॉलिटिकल इकोनॉमी की अहमियत अपनी जगह, लेकिन इकोनॉमी को पोलिटिसाइज करने का मतलब ये होगा कि हम में से हर कोई इसको भुगत रहा होगा। आज तो मैं और अवैध साहब या आप ये कह रहे हैं कि हम प्रिविलेज हैं, हमें इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दौर दूर नहीं होगा। अगर आप आज तल्ख फैसले नहीं करेंगे, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, जो डिस्टॉर्शन है GST की उनको आप ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, जो एनर्जी सर्कुलर डेट है जो कि आपके मुल्क के दफा के दो दफाई बजट के बराबर 2 साल के सिर्फ आपका एनर्जी सर्कुलर डेट खड़ा है, तो जब तक आप उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। और उसको हटाने का मतलब क्या है कि अगर बैनुल-अक़वामी मार्केट में $90 पर बैरल चल रहा है पेट्रोल जो क्रूड ऑयल है, तो आप किस तरीके से उसको जो है वो सस्ता दे सकते हैं? आप ये तो कर सकते हैं कि टारगेटेड सब्सिडीज लेके आएँ, अक्रॉस द बोर्ड सब्सिडी ना दें, मुझ पर टैक्स लगाएं, मैं बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, मेरी गाड़ी 9 किलोमीटर करती है 1 लीटर में, एक ठीक मोटरसाइकिल वाला है वो 50 किलोमीटर करता है 1 लीटर में, तो उसके नाम पे सब्सिडी दे के आप मुझे नवाज रहे हैं, आप बड़ी गाड़ी वालों को नवाज रहे हैं, आप लैंड क्रूजर जो कि 5 किलोमीटर करती है आप उनको नवाज रहे हैं। तो ये सही कुछ है, ये बात फंडामेंटल्स सही हैं है आपकी मुल्कों के कि बैठ मईशत के के मौजू पर सियासत नहीं होनी चाहिए और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अगर लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत उसको सपोर्ट करना चाहिए और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मैं एक दो पॉलिटिकल चीज़ें आमिर जा साहब क्विकली, एक तो ये बता दें कि ये जनूबी पंजाब का जो मामला है इसमें आपको शाह मुकेश साहब का जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें संजीदगी नज़र आती है या फिर ये इलेक्शन से 1 साल पहले जो जनूबी पंजाब एक मौजू बन जाता है ये वैसे ही एक मौजू बना है? मेरे ख्याल में ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है सूबों की, सिर्फ पंजाब की नहीं, मेरे ख्याल में इस मुल्क को अगर हम बात करें, हम उठा रहे हैं कि जी पार्लिमानी निज़ाम में क्या कमजोरियां हैं और उसको किस तरह से दूर होना चाहिए, इसी तरह 18